नमस्कार स्वागत है आप सभी का शिक्षा सीढ़ी के यूट्यूब चैनल में दोस्तों हमने जो आर आरबी और ग्रुप डी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है उसके भाग 19 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग उन्नीस है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट तीस प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न हमारा है रोग द्वारा संक्रमण का विरोध करने के लिए एक जीव की क्षमता को क्या कहते हैं सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर में रोगों से हमारी जो रक्षा करता है उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं ये सिंपली आपसे पूछा जा रहा है तो जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी होती है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा सिस्टम होता है वह रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है तो जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर होती है वही रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इम्यूनिटी अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं किस राज्य में स्थित हैं तो अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं तो आपको मिलेंगे जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं ये आपको मिलेंगी महाराष्ट्र राज्य में तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है अगला प्रश्न हमारा है गदर पार्टी की जो स्थापना यह कब की गई थी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न तो गदर पार्टी की जो स्थापना यह की गई थी एक नवंबर डेट थी एक नवंबर वर्ष 1913 की कहाँ पे की गई थी जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो सैन फ्रांसिस्को नामक जगह थी सैन फ्रांसिस्को नामक जगह थी यहीं पे आप की गई थी जो है गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा तो सोहन सिंह भाखना के द्वारा किसके द्वारा तो सोहन सिंह भाखना के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी एक नवंबर 1913 को तो इसे आप ध्यान देखिएगा जगह थी सैन फ्रांसिस्को अगला प्रश्न हमारा है मुस्लिम लीग की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो आप याद रखिएगा जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 सौ ईस्वी में की गई थी तो इन तीनों जो व्यक्ति हैं आगा खां नवाब सलीमुल्ला और मोहन मोहनशील मुल्क इन तीनों ने मुस्लिम लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी परंतु अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें मतलब सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया था इस लीग की स्थापना में दिया था नवाब सलीमुल्ला ने तो इसे आप ध्यान दीजिएगा इसके साथ मुस्लिम लीग की अगर हम पहले अध्यक्ष की बात करें तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन कौन बना था मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष तो आगा खा यानी ऑप्शन जो ए है आगा खा वाला ये आगा खा मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने थे और वास्तविक संस्थापक की अगर बात हम करें तो नवाब सलीमुल्ला जो थे ये मुस्लिम लीग के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा उन्नीस में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी अगला प्रश्न हमारा है आपको बताना है कि डेनमार्क की राजधानी वर्तमान में क्या है तो प्रेजेंट टाइम में डेनमार्क की राजधानी क्या है तो कोप हेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है वहीं प्राग किस देश की राजधानी तो चेक रिपब्लिक यानी कि चेक गणराज्य की जो राजधानी है उसको हम प्राग कहते हैं और ओटावा किस देश की राजधानी है तो कैनेडा की राजधानी को हम ओटावा कहते हैं और ब्यूनस आर्यस किस देश की राजधानी है तो अर्जेंटीना की राजधानी को हम कहते हैं ब्यूनस आर्यस तो ये चारों राजधानी आपके दिमाग में होनी चाहिए दूरसंचार उपकरण इनमें से कौन सा है? आपको बताना है कि दूरसंचार उपकरण इसमें से कौन सा है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो जो दूरसंचार उपग्रह इसमें से वह माना जाता है मॉडेम यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है मॉडम अगला प्रश्न हमारा है वह सॉफ्टवेयर जो विद्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने या हटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है जो कंप्यूटर में फाइल्स को नुकसान होने से मतलब बचाता है उसको हम क्या कहते हैं सॉफ़्टवेयर का हम क्या कहते हैं तो विद्वेषपुर सॉफ्टवेयर को हटाने और रोकने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है एंटी वायरस यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है एंटी वायरस अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है बेकरेल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है तो बेकरेल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है तो रेडियो एक्टिविटी की यानी कि रेडियो धर्मिता इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है रेडियो धर्मिता की इकाई को हम बेकरेल कहते हैं अगला प्रश्न हमारा है फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उसके अनुसार जो अंगूठा होता है वह क्या दर्शाता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो अंगूठा होता है वह बल यानी कि फोर्स का प्रतिनिधित्व करता है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्स यानी कि बल का प्रतिनिधित्व करता है अंगूठा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अगला प्रश्न हमारा है लुब्रिकेंट्स जो होते हैं जो भारी मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं आपको बताना है कि जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वे किसके बने होते हैं किस प्रकार बनते हैं ये तो जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ये पेट्रोलियम के बने होते हैं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पेट्रोलियम से अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है वह आवास सारणी के समूह दो में मतलब समूह दो में रखा गया मतलब समूह दो से संबंधित है तो आवास सारणी के समूह दो में निम्नलिखित में से किसको रखा गया है तो इसमें से जो मैग्नीशियम है उसको आवाज सारणी के समूह दो में रखा गया है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है अगला प्रश्न हमारा है लिथियम और बेरिलियम के बीच इसमें से जो कौन सा तत्व है जिसमें उच्च परमाणु त्रिज्या होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो लिथियम और बेरिलियम के बीच जो लिथियम तत्व होता है उसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वह उच्च होती है यानी कि हाई होती है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जा या लिथियम यानी ऑप्शन बी अगला प्रश्न हमारा है मैग्नीशियम और कैल्शियम के बीच आपको बताना है किसकी जो परमाणु त्रिज्या वह सबसे उच्च होती है तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बीच जो कैल्शियम तत्व होता है यानी ऑप्शन बी हमारे बिल्कुल से कैल्शियम तत्व की जो परमाणु त्रिज्या होती है वह सर्वाधिक यानी कि उच्च होती है अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंसू में नहीं पाया जाता है तो आई जी ई जो यौगिक होता है यह आंसू में नहीं पाया जाता है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आई जी ई अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का घटक नहीं है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो दिए गए ऑप्शन में से बायोगैस का घटक कौन सा नहीं है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यह बायोगैस का घटक नहीं है इसमें से बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और हाइड्रोजन ये सभी जो हैं बायोगैस के मुख्य घटक हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है एक मिनट में कितनी बार धड़कता है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है यह एक मिनट में कितनी बार धड़कता है तो बहत्तर बार बहत्तर बार प्रति मिनट सॉरी यहाँ पे ऑप्शन डी होगा तो बहत्तर बार धड़कता है प्रति मिनट जो है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय तो राइट आंसर आपका जाएगा बहत्तर अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस देश के द्वारा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसको हम ओपेक के नाम से जानते हैं उसको छोड़ दिया गया था तो दिए गए ऑप्शन में से किस देश ने ओपेक को छोड़ दिया था तो कतर इसका राइट आंसर हो कतर का द्वारा जो है ओपेक को छोड़ दिया गया था अगला प्रश्न हमारा है भारत की जो पहली ई लोक अदालत है उसकी शुरुआत किस राज्य में की, की गई काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह हंड्रेड परसेंट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो भारत की जो पहली ई लोक अदालत है इसकी शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ में तो राइट आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में जो है भारत की जो पहली ई लोक अदालत है उसकी शुरुआत की गई थी तो आप इसे याद रखिएगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इसके बाद जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है राजीव गांधी किसान कल्याण योजना भी चलाई जा रही है आप ध्यान दीजिएगा राजीव गांधी राजीव गांधी किसान कल्याण योजना जो है यह छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है इसके बाद जो स्पंदन कैंपेन है वह भी छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है इसके अलावा छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण योजना है गोधन न्याय योजना इस योजना का नाम है गोधन न्याय योजना यह भी छत्तीसगढ़ की योजना है अगला प्रश्न हमारा है समाधान से विकास योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है तो समाधान से विकास योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह जो योजना है यह हरियाणा राज्य की योजना है इसके साथ ही जो हरियाणा है की गवर्नमेंट उसके द्वारा हेल्प मी नामक एप मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था हेल्प मी नामक मोबाइल एप्लीकेशन आप इसे याद रखिएगा तथा जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो हुआ था आप ध्यान दीजिएगा सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो जो हुआ था 2020 का यह भी हरियाणा में ही आयोजित किया गया था इसके बाद हरियाणा में एक योजना चल रही है मेर, मेरा पानी मेरी विरासत इसे भी आप ध्यान दीजिएगा मेरा पानी और मेरी विरासत जो योजना है यह अभी हरियाणा में चल रही है इसके अलावा हरियाणा में एक योजना चल रही है ई सचिवालय पोर्टल कौन सा पोर्टल तो ई सचिवालय जो पोर्टल है ये हरियाणा में लॉन्च किया गया तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य में स्थानीय लोगों के लिए जो है राज्य की पचहत्तर परसेंट नौकरियां हैं उनको आरक्षित कर दिया मतलब हरियाणा मत, सॉरी आंसर बता दिया तो इसका राइटर आंसर हो जाएगा हरियाणा हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने अपने राज्य की जो पचहत्तर परसेंट नौकरियाँ अपने लोगों के लिए आरक्षित कर दी मतलब हरियाणा की जो पचहत्तर परसेंट नौकरियाँ होंगी जो पचास हज़ार रुपये से कम होंगी आप ध्यान दीजिएगा हरियाणा की जो पचहत्तर परसेंट नौकरियाँ होंगी जो पचास हज़ार रुपये से कम होंगी वो हरियाणा के स्थानीय लोगों को ही दी जाएंगी अगला प्रश्न हमारा है वर्ल्ड डेयरी समिट दो का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया जाएगा भारत में भारत में 2022 में जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का आयोजन आयोजन भी किया जाएगा और 2022 में हम अपनी आज़ादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ भी मनाएंगे तो ये भी आपको पता होना चाहिए आपको बताना है कि बलराम जो योजना है यह किस राज्य की फेमस योजना है तो बलराम योजना किस राज्य की फेमस योजना है तो यह उड़ीसा राज्य की फेमस योजना है बलराम योजना तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बलराम योजना जो है हरियाणा मतलब ओडिशा की फेमस योजना है तथा ओडिशा में ही 2023 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा आप ध्यान दीजिएगा हॉकी का जो वर्ल्ड कप होगा 2023 तो का यह उड़ीसा में ही खेला जाएगा तो आप इसे ध्यान दीजिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारा है सोहराई और कोहबर आर्ट्स ये जो फेमस आर्ट्स हैं इनको आप मैं आपको बता दूं तो इनको जीआई टैग हाल ही में दिया गया इसी कारण से न्यूज़ में है तो आपको बताना है कि सोहराई और कोहबर आर्ट्स जो है इनका संबंध किस राज्य से है तो हाल ही में सोहबई सोहराई और कोबर आर्ट्स को जीआई टैग दिया गया है तथा इनका संबंध झारखंड राज्य से तो राइट आंसर आपका हो जाएगा झारखंड अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है तो कैस्पियन सागर की जो सीमा टोटल पाँच देशों से लगती है तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान रूस ईरान और कजाकिस्तान यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी अगला प्रश्न हमारा है इसरो के वर्तमान में जो प्रमुख है वह कौन है तो इसरो के वर्तमान में प्रमुख हैं के सिवन तो आप इसे ध्यान दीजिएगा तथा डीआरडीओ के प्रमुख वर्तमान में कौन है तो जी सतीश रेड्डी जो है वर्तमान में डीआरडीओ के प्रमुख हैं हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो हैं अजीत डोभाल हैं और नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं इसके साथ यहाँ पर बात इसरो की है तो इसरो का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में कहाँ बेंगलुरु में आपको मिलेगा हाइड्रो का इसरो का हेडक्वाटर और अठारह सौ उनहत्तर ईस्वी में जो है इसरो की सॉरी उन्नीस सौ उनहत्तर ईस्वी में उन्नीस सौ उनहत्तर ईस्वी में इसरो की स्थापना की गई थी अगला प्रश्न हमारा है वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो डेविड मालपास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में भारत का जो सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज है यह किस राज्य में बनाया गया काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो हाल ही में भारत का जो सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज है यह बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश अगला प्रश्न हमारा है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो जो भारतीय थल सेना दिवस है यह मनाया जाता है पंद्रह जनवरी के दिन तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पंद्रह जनवरी के दिन जो है प्रतिवर्ष भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है तो किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं और महात्मा गांधी को हम बापू और राष्ट्रपिता कहते हैं क्या कहते हैं बापू और राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को और मदन मोहन मालवीय जी को हम कहते हैं महामाना क्या नाम कहते हैं मदन मोहन मालवीय जी को महामाना के नाम से जानते हैं और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जानते हैं तो ये भी आपके आपको पता होना चाहिए आज का लास्ट प्रश्न हमारा है कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस 22 मार्च के दिन मनाता है तो कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस 22 मार्च के दिन मनाता है तो बिहार इसका राइट आंसर बिहार जो अपना स्थापना दिवस है वह बाईस मार्च के दिन मनाता है और उत्तर प्रदेश जो अपना स्थापना दिवस है वह चौबीस जनवरी के दिन मनाता है आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश जो अपना स्थापना दिवस है वह चौबीस जनवरी के दिन मनाता है और बिहार अपना स्थापना दिवस 22 मार्च के दिन मनाता है और जो सिक्किम है सिक्किम अपना स्थापना दिवस कब मनाता है तो सिक्किम अपना स्थापना दिवस सोलह मई के दिन मनाता है और तेलंगाना अपना स्थापना दिवस जो है दो जून के दिन मनाता है तो ये चारों राज्यों के जो स्थापना दिवस है आपके दिमाग में होने चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो पार्ट 19 था उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है जल्दी मिलेंगे पार्ट जो हमारा अगला होगा उसमें तब तक के लिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू